आधा बरसे नाजीन आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नशीली चाय और बिस्किट खिलाते हुए मुसाफरीन को ठगने वाला सारक काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई, 4,28,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 2 किलो गांजा और दीगर अशिया जब्त। एटीएम सेंटर्स पर जहन मुंतशिर करते हुए मासूम आवाम को ठगने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। तिलाई जेवर और नकद रकम की गई बरामद, एसआर नगर पुलिस ने की कार्रवाई। तेलंगाना खानसदार असम्बली का मानसून इजलास जारी, मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल उठाए गए। एक 1,12,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फरहाम करने हुकूमत का निशाना, वजीर आला ने असम्बली में दिया बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। रेलवे पुलिस ने मुख्तलिफ एक्सप्रेस ट्रेनों में चाय और दीगर अशिया में नींदावर गोलियां मिलाते हुए उन्हें बेहोश करने वाले और सरखे की वारदात अंजाम देने वाले एक मुलजिम 36 साल मोहम्मद मुस्तकीम खान साकिन बंजारा हिज मुतवतिन बिहार को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 116 ग्राम तलाई जेवर मालियती 4,28,000 रुपये बरामद कर लिए गए। मुलजिम सिकंदराबाद और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर सरगर्म था और बेंगलोर एक्सप्रेस से उसे काचीगुड़ा स्टेशन से हिरासत में लिया गया, बाजाओं से अदालती तहवील में दे दिया गया। मस्कुरा मुलजिम रियासत बिहार में सजा याफ्ता मुजरिम बताया गया है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मंगलहाट में एक मकाम पर धावा करते हुए 2 किलो गांजा जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक 20 साल किशन सिंह और 20 साल तुलजाराम सिंह साकिनान मंगलहाट को गिरफ्तार किया गया जब वो एक्टिवा गाड़ी पर गांजे की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली कर रहे थे। सारकीन के कब्जे से तकरीबन 2 किलो गांजे के अलावा 2 सेलफोन, 3,500 रुपये नकद रकम और एक एक्टिवा गाड़ी और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर मोहन कुमार की क़यादत में मस्कुरा कार्रवाई की गई। एहसान नगर पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए एटीएम कार्ड बदलने वाले एक सारिख को गिरफ्तार करते हुए 2 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवर मालियती 3,50,000 रुपए बरामद कर लिए। डीजीपी बेजोन ए वेंकटेश्वर राव के मुताबिक 33 साल एम वीरिया चौधरी साकिन कुकटपल्ली मुतवतिन जिले प्रकाशम आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मुख्तलिफ एटीएम सेंटर्स के पास ठहरते हुए सारिफिन के एटीएम कार्ड्स अदला बदली करता था। इस तरह उसने एटीएम कार्ड्स के जरिए लाखों रकम भी निकाली थी। एहसान नगर पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। ये वीरय्या चौधरी बोल के
जो इनोसेंट पब्लिक को चीट करे सो आदमी को पकड़ के उनके पोजीशन में 2 लाख रुपया और 5 लाख गोल्ड ऑर्नमेंट्स भी रिकवरी करे थे। जो केस का फैक्ट्स में गए तो हीरे चौधरी 9 केसेस में अपने पास एसआर नगर में 2 केसेस और सनत नगर में 4 केसेस, चंदा नगर में 1 केस, मियापुर में 1 केस, फिर बशीराबाद में 1 केस, ऐसा 9 केसेस में उन्होंने इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने जो इनोसेंट पब्लिक को एटीएम के पास अमाउंट ड्रा करने के लिए गए तो जो जब वो इनोसेंट पीपल को देखता वहाँ वेट करते रहता, उन्होंने वेट करके जो लोगों आने के बाद वो लोगों को असिस्ट करने के लिए कोशिश करते रहता। वो असिस्ट कर उस समय में असिस्ट करके जो उन्होंने जो इनोसेंट पब्लिक है जो पासवर्ड है जो पिन नंबर मारे से समय में वो नंबर इसमें फीड का सेल में भी फीड करता। करने के बाद जो उनको असिस्ट करे सो समय में उनके पास डुप्लीकेट एटीएम कार्ड्स रहता। ऐसा नगर पुलिस ने 2 पहिए वाली गाड़ियों के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 4 बाइक्स बरामद कर ली। डीसीपी वेजो ने वेंकटेश्वर राव के मुताबिक 40 साल महेश्वर रेड्डी साकिन हफीज पेट मियापुर को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया और मस्कुरा बाइक्स जब्त की गईं। मुलजिम सिर्फ हीरो कंपनी की बाइक्स फर्जी चाबियों के जरिए उड़ाया करता था। ऐसा नगर पुलिस स्टेशन हदूद से उसने 3 हीरो स्प्लेंडर और 1 हीरो CD डिलक्स का सरखा किया था। बाद मुलजिम को जब्त शुदा गाड़ियों के साथ अदालती तहवील में दिया गया। वाले को आज अरेस्ट करे थे, उनके कस्टडी में उनके पोजीशन में है सो 4 हीरो होंडा व्हीकल्स भी सीज करे थे जो उन्होंने फॉल्स की यूज करके जो फॉल्स की से होंडा का निकाल के उन्होंने लेके जाता। ऐसा 4 केसेस में इन्वॉल्व हुआ। हमारे को वो ट्रैफिक वायलेशन का ई चालन देखे सो समय में जो व्हीकल जाने के बाद एक आदमी पकड़ लिए थे उन्होंने सेम व्हीकल यूज करके वायलेट करे थे। वो ई चॉलेंज का लिस्ट दे के समय में हमारा DI और DSI ये जो व्हीकल गए सो तिप्ट हुए सो व्हीकल को भी चालन गिरा था जो उसके ऊपर से हमारा इंस्पेक्टर वेरीफाई करके ओलॉन्ग। रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के तहत तश्कील दी गई शी टीम्स की बेहतरीन कारकर्दगी जारी है। तफसीलात के मुताबिक शी टीम्स ने पिछले 3 हफ्तों के दौरान तकरीबन 48 केसेस दर्ज किए और 53 अफराद बशमूल 5 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की कमिश्नर कैंप ऑफिस वाक़े नागोल LB नगर में फैमिली के हमराह काउंसलिंग की गई। नाबालिग लड़कों को साइकियाट्रिस्ट के जरिए काउंसलिंग करवाई गई। रचाकुंडा पुलिस ने अमन अमान की बरकरारी और माशरे के लिए खतरनाक साबित होने वाले एक सारिख मोहम्मद हबीब उर्फ छोटू को गिरफ्तार करते हुए PD Act के तहत जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद हबीब उर्फ छोटू तकरीबन 49 वारदातों में मुलविस बताया गया है जबकि छोटू को हालिया अरसे में मीरपेट पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 1 किलो तलाई जेवर, 0.5 किलो नखरवी जेवर जुमला मालियती 30 लाख रुपये बरामद किए थे। जारी असेंबली इजलास में विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान को बताया कि तेलंगाना हुकूमत अपनी मियाद के दौरान 1,12,000 नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करेगी जबकि मुस्तहकीन को ओवरसीज स्कॉलरशिप भी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि हालात तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं और सियासी हालात पर मुसलसल सोशल मीडिया की नजरें लगी हुई हैं, इसलिए सियासतदानों को चाहिए कि वो गैर शायस्ता अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करें।
وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایوان کو بتایا کہ اوورسیز اسکالرشپ کا جب آغاز کیا گیا تھا اس وقت 10 لاکھ روپیے فراہم کیے جا رہے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے اس رقم کو 20 لاکھ روپیے کرنے کے بعد درخواستوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت ہر مستحق کو اسکالرشپ دینے کے اقدامات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان میں اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت اپنی میعاد کے دوران 1,12,000 نوجوانوں کو مختلف محکمہ جات میں ملازمتیں فراہم کرے گی، جبکہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن چکرا پانی کی قیادت میں بہتر خدمات انجام دے رہا ہے، اس پر کی جانے والی تنقید مناسب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ سیاسی حالات پر مسلسل سوشل میڈیا کی نظر لگی ہوتی ہے، اس لیے آپس میں غیر شائستہ الفاظ کے استعمال سے سیاستدانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ ابھینندی موٹ مدر ساری گا گت چرتر آندھرا پردیش کے اپڈ رالے ادھیکش بکاس آف ہز کنٹریبیوشن مسٹر گھنٹا چکرپانیز کنٹریبیوشن he has been made the standing committee chairman of the UPSC and abhinandinchalchindi boyi manu nindiste idi demotivation rada adhyaksha itvanti cheriyalu dayachesi vaddandi mem inkodi cheptaa unnam definitely ga nirujyogulu udyogam kavalani aasakti untaru kabatti andulo unnadi edo mem kotta moota kattukovalani daniki sonia gandhi gari peru kuda techi amarlu gimarlu avanni pani chese kaalam kaadani old politics ee politics panji ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఉంది, నిజాలు ఉన్నాయి, ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ బయటికి పోతాయి. అంతా ఎవరు తెలియకుండా లేరండి ఇక్కడ. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ ప్రయత్నాలు మానుకొని కొంచెం పద్ధతిలో స్టాండర్డైజ్డ్గా చక్కగా వ్యవహారం చేద్దాం. ఇది కొత్త రాష్ట్రం, మీరు మంచి సూచన ఇవ్వండి. ఎస్, తప్పకుండా పొరపాటు దొరుకుతాయండి, దొరలేని నాకు అర్థం. ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ప్రభుత్వం నడిపేటప్పుడు ఎక్కడో ఒక అధికారం వాళ్ళు వీళ్ళు అక్కడక్కడ జరుగుతాయి, వాటిని రెక్టిఫై చేసిపోతూ ఉంటాం మనం. అది ఎందుకు పెద్ద తప్పు అయినట్టు దానికి ఈ ప్రభుత్వానికి తప్పులు చేయడం అది చేయడం ఇదేంది అధ్యక్షన కర్తాదో భాషన అట్లా మాట్లాడితే గౌరవం వస్తుందా? ఇది మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళ విలువ వేరే ఉంటుంది, ఇంకో రకంగా మాట్లాడే వాళ్ళ విలువ కూడా వేరే ఉంటుంది. అది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అధ్యక్ష, వాళ్ళ స్థాయిని పెంచుకోవాలి, సభ్యులు గౌరవాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో తమ స్టేచర్ పెంచుకోవడానికి చాలా చక్కటి మార్గాలు ఉంటాయి. ఇవి ఈ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్తోని ఆ ఒక్కరోజుకో ఒక పూటకో ప్రశ్న అడిగిన 5 నిమిషాలు ఆనందం ఉంటుంది తప్ప ఆ గొప్పతనం రాదు. మళ్ళీ ఒకసారి మా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పారు, మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నాను, we are committed to fulfill 1,12,000 vacancies in the government. We are totally committed. Then independence day roju golconda ni cheppinattuga kachithanga 1,12,000 udyogalu bharti chestam adhyaksha, 1,000 ekkone chestam tappa takkuva cheyam. Indulo inko maata kuda adhyaksha, prajalaku telavali, vaallu kuda mention chesaru kabatti telavali, vidya vishayamlo scholarship vishayamlo aavasiya vidya ani cheppi ippudu ee madhya vaallu ప్లానింగ్ కమిషన్ వల్ల నీతి ఆయోగ్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అది మనం స్టార్ట్ చేసి విప్లవం తెచ్చినాం అధ్యక్ష, మన మోడల్ని తీసుకున్నారు. ఒక విద్యార్థి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి క్వాలిటీ విద్యను ఈరోజు అందిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ కూడా అగైన్ మళ్ళీ ఒక దళిత అధికారి ఐపీఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి. దాన్నే మైనార్టీలో కానీ బీసీలో కానీ ట్రైబల్స్లో కానీ రిప్లికేట్ చేసి తీసుకొని ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. అధ్యక్ష, మరొకటి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా, చెప్పిన దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నామనే దానికి డెఫినెట్గా రేపు ఎల్లుండో ఎస్సీ ఎస్టీ బిల్లు తెచ్చిన తర్వాత, స్పెషల్ కాంపోనెంట్ తెచ్చిన తర్వాత ఎంత డబ్బు ఇచ్చినాం ఏమి ఇచ్చినాం అనేది పైసా పైసా లెక్కతో ప్రతి సభ్యునికి దాదాపు 100,000 పేజీలు ఉండేటువంటి పెన్ డ్రైవ్ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దట్ ఈస్ ది కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టువార్డ్ ది వీకర్ సెక్షన్స్. کلند میں صدر مسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ایوان میں جاری ہریتا حرم پروگرام پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت ایک طرف پودے لگانے کی بات کر رہی ہے تو دوسری جانب درخت کاٹنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ زولوجیکل پارک کافی مشہور تھا اور یہاں شیروں کی تعداد بھی کافی تھی، لیکن اس میں درکار سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. انہوں نے ہریتا حرم پروگرام کے تحت کتنے پودے لگائے گئے ہیں اور کتنے کروڑ خرچ کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ایوان کو بتانے کی بات کہی.
مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ایوان میں جاری ہریتا ہرم پروگرام پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایک طرف حکومت پودے لگانے کی بات کر رہی ہے تو دوسری جانب درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کا نہرو زوالوجیکل پارک ملک بھر میں کافی مشہور تھا اور یہاں پر شیروں کی تعداد بھی کافی تھی، لیکن اب زو میں موجودہ درکار سہولتیں نہ ہونے کے باعث اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح باغ عامہ بھی کافی مشہور تھا، لیکن یہاں بھی درختوں میں بڑی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے اس بات کا سوال کیا کہ ہریتا ہرم پروگرام کے تحت کتنے پودے لگائے گئے اور اب تک کتنے کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اس کی تفصیلات پیش کی جائے۔ کانگریس رکن اسمبلی ڈی کے ارونا نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ہریتا ہرم پروگرام تو بہتر ہے، لیکن حکومت پودوں کے تحفظ میں ناکام ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی رام چندر ریڈی نے ہریتا ہرم پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے اس میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے پر توجہ دینے کی بات کہی۔ There have been reports that in some places the plants withered away due to lack of water supply and also saplings from this year, and we are told that about 7.23 lakh sites where 28.7 lakh saplings are planted, only about 2.76 lakhs sites have been geo-referred, but the number of saplings which are geo-tagged have been shown as 27.77 crore. This also needs to be clarified, madam. Madam, the data show that the Forest Department, 25 other departments as well as GHMC, HMDA, Rural Development Department, NREGA and other schemes have taken up the Harita Aram program. Some departments are doing well, but the Forest Department has to pick up momentum as it has been assigned overall target of 100 crore plants out of 230 crores under entire time frame of Harita Aram program. Madam Deputy Speaker, to continue with this, when I talk about the forest, one point I would like to bring to your kind notice is that Harita Aram program, right from panchayat level, collectorate office, revenue officials, all of them should participate in that. But what is happening, the Forest Department has been given the responsibility for this. In this process, the Forest Department officials, instead of protecting the forest, they are busy in this work, and we are losing the forest cover in that area, madam. I'll give the details when I go ahead in next 5 to 10 minutes, madam. The GHMC and HMD are also lagging. Amount has been spent for organizing the function, how much of amount has been spent on publicity of this program, and how much of amount have been spent on giving some extra money to the officials who were working in that manner. کرنا چاہتے ہیں میڈم، دوسری طرف جو ہمارا اویلیبل فارسٹ گرین کور ہے دیٹ وی آر لوزنگ، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انکروچمنٹ کے لیے وی ہیو ٹو سی، ان 2015 الون اٹ لاسٹ 16,800 ہیکٹرز ٹو انکروچمنٹس، ان ٹوٹل اباؤٹ 23% آف فارسٹ از ان انکروچمنٹس، دیٹ وی آر بیکاز آف لوزنگ دا فارسٹ اینڈ دا گرین کور۔ میڈم وی ہیڈ ان تلنگانہ، ہمارے پاس تلنگانہ میں شیر دکھائی دیتے تھے، آج شیر چلے گئے ہماری ریاست سے اور شیروں کو مارا جا رہا ہے۔ شیر کیوں چلے گئے؟ بیکاز وی آر لوزنگ بیمبوز فرام دا فارسٹ، میڈم بیمبوز آر بینگ لاسٹ ان دا فارسٹ۔ بیمبوز نہیں ہے، شیر کے لیے بیمبوز ہونا ہے اور اس کو کاٹا جا رہا ہے، جھاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم اپنے فارسٹ ایریا کو ایک وائلڈ سینچریز بھی ہمارے پاس اتنے تھے میڈم، آج وہ لیپرڈز تھے، ٹائگرز تھے، آج وہ پوچنگ ہو رہی ہے، فارسٹ کم ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ہمارے وائلڈ لائف کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف گرین کور ہم بات کرتے ہیں تو صرف انوائرمنٹ کی، گلوبل وارمنگ کی، ڈیفیشن رین فال کی بات کر رہے ہیں، لیکن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پروٹیکٹنگ دا وائلڈ لائف آلسو۔ وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ دا وائلڈ لائف تھرو دس ہریتا ہرم پروگرام میڈم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بفور کنکلوڈنگ میڈم آئی وڈ جسٹ لائک ٹو برنگ 3 اور 4 پوائنٹس میڈم، اور وہ پوائنٹس یہ ہے کہ
एक तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारे पास नेहरू जूलॉजिकल पार्क है मैडम, यहां पर जू है हैदराबाद में, मिरालम तालाब का पूरा पानी जू में आ जा रहा है, जितने झाड़ हैं पुराने वो खत्म हो जा रहे हैं और जानवरों जानवर परेशान है। उस जूलॉजिकल पार्क को किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और देर आर 2 टाइगर रिजर्व एंड 7 सेंचुरीज एंड 3 नेशनल पार्क्स इन तेलंगाना स्टेट कवरिंग अबाउट 6 लाख में, उसको भी शामिल करना चाहिए मैडम। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना देर इज ओनली 1 जू मैडम। जू के बारे में मैं आपसे बोला हूं, निजाम सरकार ने बनाया था और हमारे असेंबली के बाजू पब्लिक गार्डन है मैडम, पब्लिक गार्डन भी फेमस था, आज पब्लिक गार्डन भी नेग्लेक्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर भी मैं हुकूमत को तवज्जो चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी, क्योंकि ये पूरा चाहे जू होने दीजिए या पब्लिक गार्डन्स होने दीजिए, ये 150 हेक्टर्स के ऊपर है इतना बड़ा, और उसके बाजू जू के बाजू मीरालम तालाब भी है मैडम, वो तालाब पर भी वहां पर भी कुछ कर सकते हैं, वो प्रोग्राम भी नेग्लेक्ट हो रहा है मैडम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे। और एंड व्हेन आई कम टू द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद, द जीएचएमसी हैज टेकन अ भरितारम प्रोग्राम ऑन अ लार्ज स्केल, बट द सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांट इज वेरी लो मैडम। मैडम ऑल्सो इन अ क्लासिक केस ऑफ वन विंग ऑफ गवर्नमेंट वर्कली है मैडम, वो भी के रोड्स बनाते वक्त हम देखते हैं मैडम कि व्हाट वी सी इज दैट के दिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आकर पूरे झाड़ों को काट देते हैं और इतने बरस के बाद झाड़ उगता है, आने के बाद उसको बिल्कुल ही बेदर्दी के साथ खत्म कर दिया जाता है। एंड मैं कंक्लूड करने से पहले मैडम वन इंपॉर्टेंट इशू मैं हुकूमत की जानिब तवज्जो कराना चाहता हूं कि बंजारा हिल्स में और ये जुबली हिल्स के पास चिरान पैलेस का जो पार्क है, जिसको बाद में केबीआर पार्क का नाम दिया गया था, वहां पर वॉकर्स एसोसिएशन, वहां पर दूसरे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के एनजीओज हैं, उन सारे लोगों ने एहतजाज किया और कहा कि जीएचएमसी का जो रोड आ रही है, फ्लाईओवर आ रहा है, इतने झाड़ों को काट कर उसको नहीं करने की बात की गई। एक तरफ हम झाड़ वो बो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ झाड़ों को काट रहे हैं, यह सही नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस डिस्कशन में यह अपॉर्चुनिटी लेते हुए कहूंगा कि आप वो सारे एनजीओ जो एहतजाज कर रहे हैं उनको बुलाकर उनसे भी बात कराइए। और बिफोर कंक्लूडिंग मैडम, आई वुड लाइक टू वंस अगेन से दैट व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2008 crore सो फार ऑन हरितारम प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर ऑन रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स एट द गवर्नमेंट नर्सरीज, प्रोक्यूरमेंट ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम प्राइवेट नर्सरीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है मैडम। आई वॉज गोइंग टू द रिप्लाई, इन दैट रिप्लाई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैड सेड दैट he said that 3000 nurseries, private nurseries कितने, government nurseries कितने आपने purchase किया है, तो private nurseries से कितना purchase किया है और government nurseries से कितना purchase किया है, और ये public functions and also plastic tree guards were given man, वो plastic tree guards का fate क्या हुआ, कहां है वो plastic tree guards, ये सारे expenditures, ये सारी तफसीलात अगर देंगे और तो मैं ममनून रहूंगा। एंड लास्टली, व्हाट आर द वैरायटीज बीन प्लांटेड इन अर्बन एरियाज, इंक्लूडिंग द फ्लावर फ्रूट बेरिंग एंड फ्लावरिंग वैरायटीज एंड ऑर्नामेंटल वैरायटीज, व्हाट हैज बीन द सर्वाइवल रेट ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग 2015-16, 16-17 एंड द करंट ईयर सो फार मैडम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग गुड मेजर्स, वी वेलकम दिस। एट द सेम टाइम आई होप दैट कि द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन रेज्ड बाय मायसेल्फ एंड माय पार्टी would be taken up seriously, and also the question raised by me would get an appropriate answers, madam. I thank you very much for giving me this opportunity. It's a good advice, definitely. In the condition today, what we are facing today is very grave. Situation is very grave. So there is a need to enroll all the environmentalists, intellectuals, NGOs, whosoever are concerned with these matters. Government will certainly look into that matter. Uske अलावा आप हैदराबाद के घरों में जो मतलब फल के झाड़ दे के एंकरेज कर सकते हैं, उसका भी आपने सुझाव दिया है। जीएचएमसी जब बुलाएंगे मीटिंग, तो आप भी शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं उसमें शामिल हो जाइए, ज़रूर उसको भी मुकम्मल तौर पर करने का कोशिश कीजिए, सरकार का पूरा साथ इसके साथ होगा।
تلنگانہ اسمبلی میں وقفے صفر کے تحت مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شہر میں مچھروں کی کثرت اور اس سے وبائی امراض پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر ہیلتھ کیمپ قائم کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ایک اور مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شراب کی دکانیں، عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں کے قریب قائم کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی رکن اسمبلی این وی وی ایس پربھاکر نے اوپل میں بس اسٹینڈ کو عصری بنانے اور کانگریس رکن اسمبلی ڈاکٹر گیتا ریڈی نے برقی بل کے صدمے سے ظہیر آباد میں مسلم فرد کی موت کے مسئلے کو پیش کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفہ صفر کے تحت مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شہر میں مچھروں کی کثرت اور اس سے پھیلنے والے وبائی امراض پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ محکمہ جی ایچ ایم سی کو چاہیے کہ وہ صاف صفائی کے اقدامات کرے اور محکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ ہیلتھ کیمپ کا قیام عمل میں لائے۔ حیدرآباد شہر کے اندر مچھروں کی انبار ہے، اور جہاں تک ملک پیٹ کانسٹیٹنسی ہے، پوری کی پوری کانسٹیٹنسی موسیٰ ندی کو لگے ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ملک پیٹ کانسٹیٹنسی متاثر ہے۔ آج حیدرآباد کے اندر آپ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر وائرل بیماری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی متاثر نہیں ہے۔ تو میری آپ کے ذریعے حکومت سے تجویز ہے کہ اس کے اوپر صحیح اقدامات کرے، مچھروں کی بڑھتی تعداد کے اوپر اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور جی ایچ ایم سی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مل کر جنگی پیمانوں کے اوپر ہر محلوں میں اور سلمس کے اندر ہیلتھ کیمپس اگر سے قائم کرے تو جس کی وجہ سے عوام کو راحت ملے گی۔ بہت زیادہ برا حال ہے مچھروں کی وجہ سے اور وائرل ڈیزیز کی وجہ سے، تو اس کے اوپر حکومت کو نوٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت کی نوٹس میں لانا چاہوں۔ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు బలాలా గారు చెప్పింది, ఆరోగ్య మంత్రి గారు నేను కలిసి వారి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలియజేస్తాం۔ మజ్లిసి రుక్న అసెంబ్లీ జాఫర్ హుసేన్ మిరాజ్ నే عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں کے قریب شراب کی دکانیں قائم کرنے پر محکمہ آبکاری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتایا کہ یاخت پورہ، مادنہ پیٹ، بیگم بازار، پرانا پل اور دیگر مقامات پر مساجد اور منادر کے پاس شراب کی دکانیں قائم کی جا رہی ہیں۔ تھینک یو میڈم، میرا کوسچن ایکسائز منسٹر پہ ہے۔ میڈم، آج جو نہ صرف شہر میں بلکہ پورا تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر آج کل وائن شاپ زیادہ کھولے جا رہے ہیں میڈم، وہ وائن شاپ کے لیے جیسا مادنہ پیٹ یاخت پورہ ایریے میں میڈم کوئی چیز نہیں دیکھ رہے، نہ مسجد دیکھ رہے، نہ مندر دیکھ رہے، نہ چرچ، نہ ہاسپٹل، نہ اسکول، نہ کالج۔ وہاں پہ لوکالٹی کے اندر کھول رہے ہیں جس میں مادنہ پیٹ ہے میڈم، شنکیشور بازار ہے سید آباد میں، بیگم بازار کے بازو میں دو مسجد ایک مندر ہے میڈم 100 میٹر کے اندر، وہاں پہ بھی ہے۔ نوبل جنکشن جو ملا پلی میں آتا ہے، شالی بنڈا، فلک نما، جیا گوڑا، گرکا پلی اور پرانا پل، ایسے کافی ایریا میں۔ ان سب کے علاوہ میرا ایک سوال ہے میڈم کہ 100 میٹر کے اندر مسجد، مندر، کوئی بھی ریلیجیس پلیس رہے یا اسکول رہے تو نہیں دیتے پرمیشن، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسا اسٹائل میں پرمیشن دے رہے ہیں۔ ایک اور چیز میڈم، میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، فرض کریے کوئی سینسیٹیو ایریا ہے جہاں پہ کمیونل وائلنس ہونے کا ڈر ہے، وہاں پہ اگر وائن شاپ دیں گے تو ایک بہت بڑا جھگڑا ہوگا میڈم۔ تو میری منسٹر صاحب سے اور یہ حکومت سے خواہش ہے کہ وائن شاپوں کو لوکالٹی کے اندر مت کھولیے میڈم، کمرشل پلیسز پہ کھولیے جہاں پر ایزی لے سکتے، چونکہ وائن شاپ پہ ہم کو اعتراض نہیں ہے، وہاں پر جو بٹھا کے پلا رہے ہیں میڈم، جہاں پہ لیڈیز کو مشکل ہو رہی ہے، 3 سال شی ٹیم کے تو ہو گئے میڈم، مگر یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب سے خواہش کرتا ہوں، وائن شاپ پہ ضرور ایکشن لیجیے میڈم۔ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ గారు చెప్పింది, గౌరవ ఎక్సైజ్ మంత్రి గారికి నివేదించడం జరిగింది۔ بی جے پی رکن اسمبلی این وی ایس پربھاکر نے اوپل بس اسٹینڈ کو عصری بنانے اور پرانے شہر میں بس اسٹاپ پر شیلٹرز قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انیک پریایالو وارنی پرتیکنگا کورڈن جرگیندی، جلہ سماویشاللو کوریم، نگر شاسن سبھیلو سماویشاللو کوریم، అదే రకంగా పురపాలక శాఖ మంత్రి గారి యొక్క సమక్షంలో కూడా మరి పలుసార్లు కోరాం అధ్యక్ష, సుమారు ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రతిరోజు కూడా 1 లక్ష మంది ప్రయాణికులు ఆ బస్సు టెర్మినల్ నుంచి
कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर गीता रेड्डी ने बताया कि जहीराबाद के एक मंडल में टीन शेड के मकान में मुखीम मुस्लिम अफराद खानदान को 1,05,000 रुपये का बरखी बिल देने और बिल को देखकर एक मुस्लिम फर्द की खल पर हमले की वजह से मौत वाक़ हुई है। उन्होंने बताया कि इस फर्द की जान बरखी शौक से नहीं बल्कि बरखी बिल को देख कर हुई है। ఇది వింటే మీరందరూ కూడా షాక్ తింటారు. 105,000 ఒక పూరి గుడిసెలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఆ గ్రామంలో అందరికీ 95,000, 65,000 హయ్యెస్ట్ 1,05,000 ఇంటికి వేయడం జరిగింది. ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి దబాయించడం వాళ్ళని, ఈ బిల్లు కట్టకపోతే మీ మీద మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. तेलंगाना से में कांग्रेस पार्टी ने फीस रीएम्बर्समेंट के मसले पर मबाहिस का मौका न देने पर ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि वजीर उमूर मुकन्ना हरीश राव ने बताया कि बीएसई मीटिंग में तय पाया था कि तहरीक अल्तवा पर वापस सवालात के बाद बात की जाएगी। कांग्रेस में चार मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के इजलास का पीर के रोज़ सुबह 10 बजे जैसे ही आगाज़ हुआ, तब अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने इस बात का मुतालबा किया कि उनकी पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक अल्तवा, जिसमें फीस री इम्बर्समेंट पर मुबाहस का मुतालबा किया गया है, उस पर बहस मुनक़िद की जाए। इसके जवाब में वजीर उमूर मुखन्ना हरीश राव और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने यह बात वाजे की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बात का फैसला किया गया कि वक्फ सवालात के बाद तहरीक अल्तवा पर बात होगी, जिस पर जाना रेड्डी ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में उनकी पार्टी ने इस पर एतराज़ करते हुए ये कहा था कि अहम मौजूआत पर पेश करदा तहरीक अल्तवा को पहले कबूल किया जाए। इस दौरान कांग्रेस कायद की बात तस्लीम ना करने पर कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया। बाद अज़ां मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऐवान को गुमराह कर रहे हैं, जबकि नई रियासत तेलंगाना की तशकील के बाद से ही तहरीक अल्तवा को वक्फ सवालात के बाद पेश किया जा रहा है। Madam Deputy Speaker, I would like to come on record and say that honorable, the reason is that about adjournment motion, it is not in this session. When the Telangana State Legislative Assembly's first session was held, that time itself by all political parties, it was decided the adjournment motion would be taken up after the question hour. Yes. They cannot keep on changing their stand in every session. All the political parties unanimously took a decision that we want the question hour, and at that time Congress also agreed. Did they protest on this adjournment motion to be taken up at the first thing in whenever the house commences in the last session? No, madam, they never protested on it in the last session also. This session they want to change the stand. It is their confusion. He is misleading, he is saying wrong. So I want to correct the records, and I want you also to correct the records, madam. Okay, it is not that we have taken the decision in this session. When the first session of Telangana state was there, that time it was decided. Some few rules and regulations were discussed and decided in that. This was also there. Yes, yes. Thank you, madam. Hey, ab records ko verify karke jo mislead kare LOP, you please rectify the records. Yes. Records should be corrected. वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐवान में जारी हरिता हरम प्रोग्राम पर मबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत नई रियासत तेलंगाना को ग्रीन बनाने के लिए हरिता हरम प्रोग्राम के जरिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने के इकदाम कर रही है, और सरकारी नर्सरियों से पौधे हासिल करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक खानगी नर्सरियों से भी पौधे हासिल किए गए। इसके लिए हुकूमत करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। వచ్చి పార్లమెంట్లో పాస్ కావడానికి 2.5 ఏళ్ళు పట్టింది అధ్యక్ష, ఎందుకంటే మన దగ్గర ప్రజాస్వామ్యం అంత గొప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి, మన ప్రయారిటీస్ వేరు కాబట్టి అట్లా జరిగింది. పాస్ అయిన తర్వాత దానికి మార్గదర్శకాలు రూపకల్పన జరగాలి, ఎందుకంటే పర్యావరణం అబ్జెక్షన్లు ఉంటుంది. ఇంకో కారణం చివరికి దాంట్లో రావడం లేదు,
కానీ నేను అడిగిన మాకు కొంత పర్సంటేజ్ రావాలి కదా సాధికారిక కమిటీ ప్రకారంగా, దాని ప్రకారమన్నా ఇవ్వండి అని చెప్తే 304 కోట్ల రూపాయలు. నన్ను ఒక పిచ్చోని చూసినట్టు చూసాను అధ్యక్ష, నేను అడుగుతాను ఇది ఏంది వీడు పిచ్చివాడమే, ఎవడు ఏ రాష్ట్రంలో అడిగాడు వీడు ఒక్కడే అడుగుతాడు ఏంది క్యాంప్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే వీ నో ద ప్రయారిటీ. ఇక్కడ ఉంటే అధ్యక్ష ఆడిట్ కదా, పబ్లిక్ ఫండ్ కదా, నరేగా తెచ్చిందే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యూపీఏ ప్రభుత్వం, దాని మీద చాలా పకడ్బందీ సోషల్ ఆడిట్ ఉంది అది వాళ్ళకి తెలుసు. నేను వివరణ చెప్పాలి, చాలా చాలా ఆడిట్లు ఉన్నాయి దాని మీద, మల్టిపుల్ ఆడిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీని మీద కూడా అధ్యక్ష నేను ఆదేశం ఇచ్చిన పీసీసీఎఫ్ గారు మనకు మనం లెక్కలు చెప్పి చెప్పడం కాదు, ఇది థర్డ్ పార్టీ చేయించాలని చెప్తే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అయోరా అనేటువంటి ఎకలాజికల్ సొల్యూషన్స్ ఈ రెండు రిపోర్ట్లు కూడా ఈ ఖర్చుల వివరాలు కూడా డెఫినెట్గా రాబోయే వారం రోజుల్లోపు శాసనసభలో టేబుల్ కూడా చేస్తా అని చెప్పి తమ ద్వారా మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు, చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష మాటలు. ఒకనాడు మన చిన్న ఉండే రోజులలో తమరు తమరియాల మెదక్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు, అదే మెదక్ జిల్లాలో నర్సాపూర్ అడవులలో ఇటువంటి సినిమా షూటింగ్లు జరిగేటి హైదరాబాద్కి నియరెస్ట్. తమరు నియోజకవర్గమైన రామాయంపేటలో ఎంత పెద్ద అడవి సంపద ఉండేది, మెదక్ నుంచి సిద్దిపేటకు వచ్చే దారిలో భయపడే జనం. ఈరోజు ఎక్కడికి పోయింది అధ్యక్ష అది? దాన్ని మాయం ఎవరు చేసిన టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసినారు. ఎవరు పుణ్యం కట్టుకున్నారు? 1947 తర్వాత రాజ్యాలు ఏలిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇక్కడ స్మగ్లర్ల ముఠాలు పెంచి పోషించిందెవరు? అడవులు నాశనమైతే ప్రేక్షక పాత్ర వహించిందెవరు? ఇవన్నీ ప్రజలు లేరు అధ్యక్ష, చరిత్ర కదా, మాటలు కాదు కదా. ریاستی وزیر امارات و شعرے ٹی ناگیشور راؤ نے وقفے سوالات کے دوران کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ملک بھر کے پبلک سروس کمیشنز میں منفرد مقام رکھتا ہے اور اسے بہتر کارکردگی پر قومی ایوارڈ بھی حاصل ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ گروپ ٹو امتحان میں بے قاعدگیوں کے الزامات میں کوئی حقائق موجود نہیں ہے، جبکہ کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار نے گروپ ٹو امتحان کے پرچوں میں ناقص میٹریل سپلائی کرنے کا الزام عائد کیا تھا. وزیر امارات و شعرا ٹی ناگیشور راؤ نے وقفہ سوالات کے دوران کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ملک بھر کے پبلک سروس کمیشنز میں منفرد مقام رکھتا ہے اور اسے بہتر کارکردگی پر قومی ایوارڈ بھی حاصل ہوا ہے. انہوں نے گروپ ٹو امتحان میں ناکافی میٹیریل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ کاربن لیس پیپر جاری کیے گئے تھے، چونکہ یہ معاملہ عدالت میں دوران ہے اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی. ریاستی وزیر نے بتایا کہ محکمہ برقی، پولیس، تعلیم، ہیلتھ، سنگرانی کالریز اور آر ٹی سی پنچایت راج کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں 1,00,000 سے زائد افراد کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی، جبکہ قبل ازیں کانگریس رکن اسمبلی سمپت کمار نے گروپ ٹو امتحان میں نامکمل پرچہ سربراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے گروپ ٹو امتحان کو دوبارہ منعقد کرنے اور مختلف محکمہ جات میں تقررات کرنے کا مطالبہ کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں وفے کے بعد کی خبریں. تلگو دیشم پارٹی کے تمام عہدوں اور اسمبلی کی رکنیت سے استعفی دے چکے ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہلی روانہ ہو رہے ہیں اور کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی قیادت کے احکام ہی پر وہ چلیں گے. یہ پوچھے جانے پر کہ کانگریس پارٹی میں کئی سینئر اور اعلیٰ قائدین موجود ہیں، ایسے میں وہ وہاں پر کیسے کام کر پائیں گے، تب ریونت ریڈی نے کہا کہ سینئر قائدین کے تجربے ہی سے وہ آگے بڑھیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. میرے خیال سے آج رات کو ہم لوگ دلی جانے والے ہیں، کل راہل جی کا ٹائم جب ملے وہ ٹائم پہ جا کے ہم لوگ راہل جی کے سامنے ان کے لیڈرشپ میں ہم لوگ کانگریس میں جوائن ہو جائے گا. اس کے بعد کانگریس پارٹی نے جو ڈائریکشن دینے والے ہیں، مطلب پارٹی کے پروگرامز جو بنائے وہ حساب سے اب پارٹی کے حساب سے ہم لوگ چلنا پڑے گا.
रेवंत रेड्डी की जानिब से उनके हामियों के इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी और रेवंत रेड्डी को इजलास के दौरान सरगोशियों में भी मसरूफ देखा गया। इजलास के दौरान अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत को एक बार फिर तनकीदों का निशाना बनाया। कॉलेज मजलिस आदिल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली अपने हलके जात में इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा GHMC अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तरक्याती कामों के सिलसिले में जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असेंबली हलके मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के डिवीजन कॉरपोरेटर के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और GHMC अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में मजलिस रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हिदायत दी कि तमाम अधूरे कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए। इलाहाबादी जो काम मंजूरा हो चुके हैं उन्हें भी फौरी शुरू करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। और कुछ अगर मोहल्ले अगर छूटे हैं और कुछ खराब वहाँ पर बाकी है तो आप लोग शादी कराने के ऊपर दबाव और GHMC के दौरान हमारे साथ है ताकि आपके शादी कराने के ऊपर वो लोग वहाँ के सर्वे करें और एस्टीमेट्स बनाए ताकि और जहाँ कहीं जो भी तकलीफ है वो तकलीफ ये शुरू की जाए। अब जैसे ये वाटर वर्क्स के काम के सीवरेज लाइन के वर्क से पूरी जगह जहाँ भी कराए हैं आपके यही बिहार में आपके सामने तफसीलात रखे और जो काम होने के हैं जो टेंडर खुल रहा है वो भी आपके सामने रखा है। नेशनल पुलिस एकेडमी में IPS ऑफिसर्स के 69वें बैच की पासिंग आउट परेड का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। जुमला 122 IPS ऑफिसर्स ने मस्कुरा पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। तेलंगाना रियासत से 3 IPS हैं जबकि आंध्र प्रदेश के 4 IPS ऑफिसरान इसमें शामिल हैं। बाजूपल्ली पुलिस ने सैबराबाद कमिश्नरेट हदूद में सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए भारी मकदार में तलाई जेवर और नकद रकम बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुटगान में KSI किशोर और निम्मला योहन मुतवतिन गुंटूर शामिल हैं। मस्कुरा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद संदीप शिंडलिया ने तकरीबन 1 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान किया था। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी और मस्कुरा टीमों ने तकरीबन 500 CCTV कैमरों के फुटेज देखने के बाद इन्हें कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके से गिरफ्तार किया। महकमे औजान और पैमाइश के अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मानसाब टैंक में वाक़े गोलकुंडा होटल पर धावा करते हुए MRP की कीमत से जायद रकम वसूल करने के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा होटल में पानी की बोतल जिसकी MRP 19 रुपये बताई गई है उसे GST और दीगर टैक्सेस के साथ तकरीबन 142 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। अहदेदारों ने इस मौके पर बिलिंग मशीन लैपटॉप और दीगर अशिया भी जब्त कर ली और एक केस भी दर्ज किया गया। ओल्ड ऑफिस पेट में वाक़े एक इमारत की टेरिस पर सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक
इस टेरिस को किराए पर दिया गया था, जहां पर चाट भंडार की मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थी। गर्म तेल स्टोव पर छोड़कर जाने के बाद तेल सिलेंडर पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। मस्कुरा धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 30,000 रुपये मालियती अशिया का नुकसान होने की तस्दीक की गई है। इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने एक केस दर्ज किया और जाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सीआरपीएफ मलकारम इलाके में एक शख्स की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जिस पर चाकू के जरबात थे। तफसीलात के मुताबिक सीआरपीएफ मलकारम इलाके में तामीरी काम जारी है, जहां पर कंक्रीट मिक्सर के करीब इस नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जिस पर चाकूजनी के जरिए वार किए गए थे। जवाहरनगर पुलिस ने फौरी तौर पर नाश वर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पुलिस को शुबा है कि इस शख्स का कत्ल करने के बाद इसकी नाश को यहाँ फेंक दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 4 नवंबर को अमल में आएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव करेंगे। तफसीलात के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की 10वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का 4 नवंबर को वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुमताज़ माहरीन तालीम, इख्तिसादी उमूर और दानिश्वर शिरकत करेंगे। इलावादी चौमहला पैलेस में कुल हिंद मुशायरा भी मुनक्किद होगा। चेयरमैन कॉन्फ्रेंस कमेटी आसिफ पाशा साबिक वज़ीर क़ानून आंध्र प्रदेश ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। इस मौके पर को कन्वीनर कॉन्फ्रेंस MS फारूक, रहीमुद्दीन अंसारी के अलावा SA हुदा, IPS रिटायर्ड साबिक DGP प्रोफेसर अहमदुल्ला खान, साबिक डीन कॉलेज ऑफ लॉ उस्मान यूनिवर्सिटी खलीलुर रहमान और अब्दुल्ला अली बेग भी मौजूद थे। आसिफ पाशा ने बताया कि लगभग 40 बरस बाद हैदराबाद में मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुसलमानों की तालीमी मुआशी मुआशरती तरक्की से मुतालिक अकदामात का जायज़ा लिया जाएगा और मुस्तकबिल का लाए अमल तय किया जाएगा। इसी तस्वर 4 नवंबर को 8 बजे शब चौमहला पैलेस खिलवत मुबारक में कुल हिंद मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें दाखिला बजरिए दावतनामा होगा। मुशायरे की सदारत डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली करेंगे, जबकि एजाजी मेहमान सैयद अहमद पाशा कादरी मजलिसी रुकन असेंबली होंगे। हिंदुस्तान के शर आफाक शोरा कराम जोहर कानपुरी, चरण सिंह बशर, डॉक्टर नुसरत मेहदी, शबीना अदीब, डॉक्टर असलम चिश्ती, तहवर बदायूनी, नदीम शाद, अफसर दखनी के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। MS फारूक कन्वीनर और असलम फरशोरी नाजिम मुशायरा होंगे। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। नशीली चाय और बिस्किट खिलाते हुए मुसाफिरों को ठगने वाला सारक काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई, 4,28,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 2 किलो गांजा और दीगर अशिया जब्त। ATM सेंटर्स पर जहन मुंतशिर करते हुए मासूम आवाम को ठगने वाला धोखेबाज गिरफ्तार। तिलाई जेवर और नकद रकम की गई बरामद, SR नगर पुलिस ने की कार्रवाई।
تلنگانہ خان استاد اسمبلی کا مانسون اجلاس جاری، مجلسی اراکین اسمبلی کی جانب سے مختلف مسائل اٹھائے گئے۔ ایک لاکھ بارہ ہزار نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے حکومت کا نشانہ، وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں دیا بیان۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔